हेलो गाइस, स्टॉक मार्केट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज 31 अक्टूबर, बात करेंगे यस बैंक के बारे में। अब चूंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आज की तारीख में यस बैंक में एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई है, जिसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। अब ये मैं आपको बताऊंगा इस बल्क डील के द्वारा। अब इस बल्क डील के डाटा में ही ये इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। अब चूंकि देखिए, ये जितना भी डाटा आपको दिखाई दे रहा है ये हमारे काम का नहीं है। देखिए, हमारे काम का है सिर्फ ये डाटा, जिसमें हमें ये पता चलेगा कि आज की तारीख में कितनी क्वांटिटी खरीदी गई है, किसने खरीदी है और किस वैल्यू पर खरीदी गई है। अब देखिएगा, तकरीबन 1,35,00,000 के लगभग क्वांटिटी खरीदी गई है, तकरीबन 73.42 की वैल्यू पर, यानी कि 73.42 के प्राइस पर। और ये खरीदने वाले क्लाइंट का नाम है, देखिएगा, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल। अब देखिए, ये है कौन, जरा इसको जान लेते हैं। तो देखिए, बेसिकली गवर्नमेंट का पेंशन फंड है, जिसमें तकरीबन 76 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसकी नेट वर्थ जो है वो 23,611 करोड़ से ज्यादा है। अब मैं आपको कुछ चीज दिखाऊंगा जिससे आपको मालूम चलेगा कि ये जो गवर्नमेंट का पेंशन फंड है ये कोई पहली बार नहीं खरीद रहा है यस बैंक को। इससे पहले भी यस बैंक का जो शेयर्स हैं वो इनके पास मौजूद हैं। ये देखिएगा, आपको पता चलेगा इनके जून 2019 के डाटा से। देखिएगा, यस बैंक की जो शेयर क्वांटिटी इनके पास मौजूद है वो तकरीबन देखिएगा 4,45,00,000 से ज्यादा मौजूद है। वही देखिए, अगर मैं आपको इनका डाटा दिखाता हूं यस बैंक का सितंबर 2019 का, तो देखिएगा यहां आपको मालूम चलेगा कि इनके पास ओवरऑल क्वांटिटी जो मौजूद है वो देखिएगा 4,46,00,000 के लगभग है। यानी कि जून से सितंबर के क्वार्टर तक इन्होंने देखिएगा क्वांटिटी बढ़ाई है यस बैंक में। यानी कि यस बैंक अपने आप में एक प्रॉफिट बना के देने वाला स्टॉक है, इस वजह से ये खरीदारी इसमें कर रहे हैं। अब देखिएगा, ये निवेशकों के लिए अपने आप में बहुत राहत की बात है कि देखिए, एक अच्छे खासे भाव पे खरीदना आज की तारीख में 1,35,00,000 की क्वांटिटी, ये सीधे सीधे साबित करती है कि आने वाले दिनों में यस बैंक अच्छा खासा आपको रिटर्न्स देने वाला है। इसलिए ना तो यहां पर देखिएगा सेल करने की कोशिश करें, क्योंकि अभी तो पार्टी सही से शुरू भी नहीं हुई है और आपको एक बहुत बड़ी रैली देखने के लिए मिलेगी यस बैंक में। तो आपको बिल्कुल सब्र रखना चाहिए और एक निवेशक के तौर पर आपको लॉन्ग टर्म का व्यू बनाकर यस बैंक में बने रहना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं और इसी वजह से आपको इस चीज की भी समझ होनी चाहिए कि आज की तारीख में अगर एक अच्छे भाव पर देखिएगा इतनी बड़ी क्वांटिटी खरीदी गई है तो कल की तारीख में डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग भी देखने के लिए मिलेगी। तो चलिए फिर इसी साथ मैं वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं, आपसे मिलूंगा अपनी अगली वीडियो में। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको बेल आइकन उसे प्रेस कर दीजिए, आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो में कुछ भी इंफॉर्मेटिव अच्छा होगा तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स और ग्रुप में शेयर ना मत भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।